Hello, welcome to all. Today discuss another one chapter. A chapter name is Accounting for Incomplete Record, या इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं. तो सबसे हम लोग फर्स्ट हम समझते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम अप्लाई कौन करता है. तो सिंगल एंट्री सिस्टम अप्लाई वो सब करता है जो छोटा मोटा बिजनेसमैन हो. फॉर एग्जांपल स्टेशनरी शॉपकीपर या किराने के दुकानदार जो होता है वो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम अप्लाई करता है. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिंगल एंट्री सिस्टम अप्लाई करने के लिए उसको किसी प्रकार का अकाउंट का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, या नहीं रहने से भी वो सिंगल एंट्री सिस्टम अप्लाई कर सकता है. तो वो किस टाइप से कर सकता है? तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम अप्लाई होता है जहां पर, यानी छोटा मोटा दुकानदार पे, तो उन लोग खाली थोड़ा मोड़ा अगर पढ़ने लिखने जानता है, थोड़ा भी पढ़ने अगर आता है, थोड़ा भी लिखने अगर आता है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम अप्लाई कर सकता है. तो सिंगल एंट्री सिस्टम में जनरली दो अकाउंट उन लोग मेंटेन करता है. हम लोग को पता है कि छोटा मोटा दुकानदार दो ही अकाउंट मेंटेन करता है. फर्स्ट अकाउंट क्या, कि वो कितना कितना उधार बेचा, ठीक है, तो वो जो मेंटेन करेगा, जैसे राम को बेचा, शाम को बेचा, तो ये सब उधार जो बेच रहा है तो वो मेंटेन करता, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेटर अकाउंट. और दूसरा क्या करता है, सप्लायर, यानी वो किससे सामान उधार खरीद के लाया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रेडिटर अकाउंट. बस दो ही अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है सिंगल एंट्री सिस्टम में. तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं. आगे समझते हैं कि जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग को सिंगल एंट्री सिस्टम प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ता है. मगर कोई व्यक्ति या कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन आता है और बोलता है कि भाई हम तो सिंगल एंट्री सिस्टम अप्लाई किए हुए हैं, मतलब उसका तो सिंगल एंट्री सिस्टम में अप्लाई रहेगा, मतलब उसके पास डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट का इन्फॉर्मेशन है. अब पूछेगा बताइए हम मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ. तो हम लोग जो सिंगल एंट्री सिस्टम उसको दो टाइप से कैलकुलेशन कर सकते हैं, दो टाइप से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. एक हो गया सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन. सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस का देखिए, जनरली हम लोग क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में सिंगल एंट्री सिस्टम का हम लोग का पढ़ने का सॉरी सिंगल एंट्री सिस्टम का जरूरत नहीं पड़ता, बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है. मगर कोई अगर सिंगल एंट्री सिस्टम वाला यानी कि छोटा मोटा बिजनेसमैन आता है और बोलता भैया हमको बताइए मैं ये मेरा अकाउंट है, यानी मेरा डेटर अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट, यानी किसने किसने उधार बेचे हैं, किसने कितना उधार लिए हैं, अब वो देख के हमको आप बताइए मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, तब हम लोग क्या करेंगे सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करना निकालेंगे. नेक्स्ट अगर वो कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन आता है और उसका बिजनेस ग्रो करता है, अब उसको चाहिए कि भाई थोड़ा लोन चाहिए, तो बैंक है, अगर बैंक के पास जाता है, बैंक के पास जाता है वही बोलेगा कि देखिए मेरा ये डेटर अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट है और हमको लोन चाहिए, तो बैंक तो उसको लोन देगा नहीं. बैंक तो प्रॉपर मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट होना चाहिए, तभी उसको लोन मिलेगा. तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग सीखेंगे कन्वर्सेशन टू डबल एंट्री सिस्टम. इसमें हम लोग क्या दिया रहेगा, हम लोग का वही डेटर अकाउंट क्रेडिटर इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, उससे हम लोग जे एंट्री पास करेंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रैवलेंस बनाएंगे, उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, और जिससे कि उस व्यक्ति को लोन प्राप्त हो जाएगा. मगर आज हम लोग कन्वर्सन टू डबल एंट्री सिस्टम के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, कि किस टाइप से सिंगल एंट्री सिस्टम से यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से किस टाइप से हम लोग प्रॉफिट या लॉस कोई भी छोटा मोटा बिजनेस का या किस टाइप से निकाल सकते हैं या कैलकुलेशन कर सकते हैं. चलिए तो अब हम लोग समझते हैं सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन, कि सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन कैसे करेंगे. तो इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं. मान लेते हैं हम लोग जिस कॉलोनी में रहते हैं उसमें कोई दुकान है. फॉर एग्जांपल मान लिए कि कोई स्टेशनरी दुकान है, तो आप लोग तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो आपको बोला कि आप तो बहुत अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो चलिए ये मेरा दुकान है या मेरे शॉपकीपर है, ये मेरा शॉप है, इसमें आप हमको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करके बताइए. तो आप किस टाइप से कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आप बोलिएगा उस दुकानदार से या शॉपकीपर से कि हमको आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन दीजिए, फिर हम आपको वन ईयर का हमको टाइम चाहिए, वन ईयर का टाइम रिवीजन चाहिए, उसके बाद आपको हम बता देंगे कि आपका जो शॉप में यानी स्टेशनरी की दुकान में प्रॉफिट हो रहा या एक साल के अंदर लॉस हुआ. तो हम लोग यहाँ पर दो डेट सेट करेंगे. फर्स्ट डेट मान लेते हैं कि हम लोग 1 अप्रैल 2019 ले लिए, और सेकेंड डेट 31 मार्च 2020 ले लिए. अब उसमें क्या होगा, हम लोग दो साल का बैलेंस शीट बनाएंगे. तो मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट साल का बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उससे हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, कि मान लिए कि भाई आपका जो दुकान है या जो आपका शॉप है उसमें जो बिल्डिंग है वो आप खरीदे हैं या आपका वो रेंट पे है,
तो अगर बोल दिया रेंट पे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बोला खरीदे हैं, ठीक है, अगर बोल दिया खरीदे हैं तो खरीदे थे कितना में खरीदे, फॉर एग्जांपल वो बोला कि भाई हम ये बिल्डिंग 5 लाख रुपए में खरीदे, ओके, तो ये 5 लाख अपना पूरा लगाएं या इसमें भी आप किसी उधार उधार कुछ लिए, तो बोले नहीं हम 5 लाख था तो जिसमें हम 3 लाख रुपया लगाएं और 2 लाख रुपया अपना फ्रेंड से उधार लिए, तो इससे क्या पता चल रहा है कि बिल्डिंग उसका 5 लाख है और वो 2 लाख का लोन लिया, यानी 2 लाख का लोन हो गया जो फ्रेंड लोग से लिया, 2 लाख का लोन हो गया, देयरफॉर एसेट्स हो गया 5 लाख और लोन हो गया 2 लाख, यानी लायबिलिटी हो गया 2 लाख। तो देखिए, तो हम लोग लिखेंगे एसेट साइड में, यहाँ पर हम लोग दो का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, एक 1 अप्रैल 2019 का और एक बनाएंगे 31 मार्च 2020 का। तो अभी हम लोग 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चलिए हम लोग का बिल्डिंग कितना है, जैसे बताया कि शॉपकीपर ने कि मेरा बिल्डिंग 5 लाख का है जिसमें हम लोग लोन लिए थे, लोन कितना लिए थे हम लोग 2 लाख का, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या मांगना उससे कि आपका जो फर्नीचर, ये फर्नीचर जो है आप जो दुकान है आपका, इसमें जो फर्नीचर सजावट है या फर्नीचर है या जो फ्रिज रखा हुआ है, ये सब का प्राइस कितना पड़ा। तो मान लेते हो कैलकुलेशन करके बोला कि भाई मेरा फर्नीचर या जो भी इसमें है फ्रिज हो या जो भी सजावट का सामान हो या जो रॉक आगे जो रहता है दुकान के आगे में, ये सब में मेरा में 1 लाख रुपया का खर्चा हुआ। तो चलिए ये हम लोग का 1 लाख रुपये जब से बोला तो हम लोग क्या हो गया, फर्नीचर हो गया कितना हो गया 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछेंगे हम लोग कि आप बताइए आप कितना वो आपका जो उधारी है यानी कितना रुपए उधारी दिए हैं, तो उसका कुछ तो लिखा जो करते हुए कंफर्म है, तो बोला हाँ, तो चलिए उस कॉपी को दीजिए, उस कॉपी को देखेंगे और देखिए कौन कौन डेटर यानी किसको किसको अभी तक तो उधार बेचा है, राम को, श्याम को, मोहन को, हीरा को, तो टोटल का उधारी हम लोग प्लस करेंगे और उसको हम लोग किसमें लिख देंगे, डेटर अकाउंट में। तो नेक्स्ट हो गया डेटर, अब मान लेते हैं सबको हम लोग प्लस कर दिए तो डेटर हम लोग का आ गया 20,000। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग से क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए आपका जो शॉप है, ये दुकान है, इसमें कितना रुपया का सामान रखा हुआ है, वो भी कॉस्ट प्राइस पे, सेल प्राइस पे नहीं, कॉस्ट प्राइस, यानी आप जिस पे खरीदें उस पे बताइए। तो मान लेते हो सब देखा कि भाई मेरे पास ब्रेड है, फिर चॉकलेट है और भी जो भी उसका सामान है, सबको कॉस्ट प्राइस पे ऐड किया और बोला कि अभी तक मेरा इस शॉप में 1 लाख का सामान है, तो देयरफॉर मेरा निकल गया स्टॉक 1 लाख का स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे हम लोग पूछेंगे कि आप तो जैसे आप उधार बेचे हैं तो कहीं ना कहीं से उधार तो आप सामान खरीदते भी होंगे, बोलते हाँ, तो आप कितना उधारी खरीदे हैं, तो हमको कॉपी दिखाएंगे, देखिए हम इस दुकान से या इस स्टोर से, उस स्टोर से इतना का उधारी लाए हैं, तो जितना भी उधारी रहेगा सबको ऐड करेंगे, सब किसमें आ जाएगा, मेरा कैटर, कैटर कौन सी है मेरा लाइबिलिटी, तो चलिए कैटर भी मिल गया हम लोग के पास, मान लिए कि हम लोग का कैटर है 15,000। अब लास्ट एंड फाइनल पूछेंगे कि आपका अभी गल्ला में यानी आपके पास अभी कैश का बैलेंस कितना है बताइए, तो वो जो लोग जिसमें पैसा रखता है उसमें हम निकालेंगे और गिनेंगे अभी उसके पास कैश कितना है, फॉर एग्जांपल सबको हम लोग ऐड किए उसके पास अभी कैश निकला 1,000, तो लिख दिया गया कैश 1,000। अब ये मेरा एसेट साइड, ये मेरा लायबिलिटी साइड, एसेट साइड से हम लोग क्या करेंगे लायबिलिटी साइड माइनस करेंगे, तो पहले प्लस करते हैं, तो ये हो गया मेरा 6 लाख, 7 लाख और 7,21,000, ये हो गया हम लोग डेबिट में, सॉरी एसेट साइड में, और ये मेरा है 2,15,000, इससे जो माइनस करेंगे जो बैलेंस बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा कैपिटल, तो ये निकलेगा मेरा ओपनिंग कैपिटल। सेम सिचुएशन हम लोग 1 साल बाद आएंगे यानी 31 मार्च 2020 को आएंगे, उसमें क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। चलिए अब हम लोग कैपिटल निकाल लेते हैं, तो जैसे हम लोग एसेट साइड प्लस किए तो 7,21,000 और 7,21,000 में 2 लाख और ये 15 माइनस कर देंगे, देयरफॉर कैपिटल निकल गया 5,06,000, ये जो निकला मेरा कैपिटल कब का निकला 1 अप्रैल 2019। अब 1 साल बाद यानी 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर उसके पास जाएंगे 31 मार्च 2020 को और उसमें हम लोग देखेंगे कि उसका जो एसेट्स या लायबिलिटी में क्या क्या पोजीशन हुआ है। चलिए अब मान लेते हैं कि हम लोग 31 मार्च 2020 में आ गए हैं, आप देख रहे हैं उस दिन जैसे फर्स्ट टाइम में उसका बिल्डिंग 1 लाख था 2019 में, तो 20 में भी
हम लोग 5 लाख, सॉरी 5 लाख था तो इसको 5 लाख मान लिए, कोई डेप्रेशन चार्ज नहीं किया, डेप्रेशन चार्ज करना तो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट फर्नीचर 1 लाख था, चलिए हम लोग डेप्रेशन चार्ज कर दिए, कितना कर दिए 10,000, मतलब 1 लाख था, अब कितना हो गया 19,000। अब पहले आप लोग का फर्स्ट ईयर में उसका डेटर या टोटल उधारी 20,000 था डेटर, अभी वो उधारी कितना हो गया 50,000। स्टॉक पहले 1 लाख था, अभी कितना हो गया 1.5 लाख। फर्स्ट में मेरा कैश 1,000 था, अभी कैश कितना 5,000। सेम लोन में हम फिर पूछेंगे, क्या आप जो 2 लाख का लोन लिए थे या फ्रेंड लोग से उधार लिए थे कि उसमें आप किसी प्रकार का पे किए हैं, तो वह नहीं किए, तो चलिए लोन फर्स्ट में भी 2 लाख था, अभी भी कितना हो जाएगा 2 लाख। फर्स्ट में कैपिटल मेरा 15 लाख था, अभी कैपिटल मेरा कितना हो गया 2 लाख। तो देयरफॉर इसमें भी हम लोग क्रेडिट साइड प्लस किए, सॉरी एसेट साइड प्लस किए 7,95,000, इसमें हम लोग लाइब्रेरी साइड माइनस कर दिए, तो ये निकला मेरा कैपिटल 5,75,000। तो यहाँ पर मेरा दो कैपिटल निकला, एक 1 अप्रैल 2019 का और एक निकला 31 मार्च 2020 का। तो चलिए अब निकालते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए अब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग का स्पेस थोड़ा कम है, इसीलिए जो बैलेंस शीट था उसको हम लोग कंबाइंड बना दिए। तो ये हम लोग का 2019 का बैलेंस शीट है, ये 2020 का, ये 2019 का हम लोग का कैपिटल है 5,06,000 और 2020 का 5,75,000। देखिए सिंगल एंट्री में क्या होता है कि फर्स्ट साल में जितना कैपिटल था उसका नेक्स्ट ईयर में जितना कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट है, और कैपिटल घट रहा है तो लॉस है, सिंपल। तो मगर अगर अगर वो बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर कुछ ड्राइंग करता है, यानी कुछ पैसा निकालता है या कुछ एडिशनल कैपिटल डालता है, तो फिर उसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर ये सब कुछ नहीं रहेगा, सिंपल लॉजिक ये होता है कि फर्स्ट साल में जितना कैपिटल है और सेकंड साल में कैपिटल इंक्रीज कर रहा है तो बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और कैपिटल घट रहा है तो लॉस हो रहा है। तो चलिए आगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का दो कैपिटल है, 2019 में 5,06,000 और 2020 में 5,75,000। तो फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल मतलब ये 20 हो गया हम लोग का क्लोजिंग और 19 हो गया मेरा ओपनिंग। देयरफॉर क्लोजिंग कैपिटल हो गया मेरा कितना दिया हुआ 5,75,000। ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब जैसे उसका बिजनेस है, तो स्टेशनरी का दुकान है तो नेचुरल जो बिजनेसमैन है तो उसको भी स्टेशनरी का सामान का जरूरत पड़ता होगा, तो नेचुरल वो बाहर से तो खरीदता नहीं होगा, अपने दुकान से ही यूज करता होगा। तो अपने से दुकान में जो जो सामान अपना पर्सनल यूज या अपने घर के यूज को ले जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ड्राइंग। तो उसको बोलेंगे भैया आप एक साल के अंदर कितना रुपया का पर्सनल यूज करते हैं, तो बोला भाई लमसम हम 5,000 का करते हैं, चल लिख दिया गया यहाँ पर ड्राइंग 5,000, तो वो कितना हो गया 5,80,000। अब एडिशन कैपिटल, फिर बोला जाएगा क्या आप बिजनेस जब स्टार्ट एक साल जो हो गया इसके अंदर क्या आप कोई बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा लगाएं, बोला हाँ मेरा पास एक कंपनी का शेयर था उसको हम बेच दिए, उसको हम प्रॉफिट उस पैसा को टोटल हम बिजनेस में लगा दिए। तो पूछे भाई आप कितना रुपया का कैपिटल लगाए थे, सॉरी कितना का शेयर बेचे थे, तो बोला भाई हम शेयर बेचे थे 10,000। तो हो गया एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो गया हम लोग यहाँ पर, तो 5,75,000 क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग 5,000, 5,80,000 लेस एडिशनल कैपिटल जो शेयर बेचा था 10,000, ये आ गया मेरा 5,70,000। उसमें हम ओपनिंग कैपिटल माइनस, ओपनिंग कैपिटल कितना हम लोग का 5,06,000, ये निकल गया प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यानी प्लस में आ गया तो प्रॉफिट, अगर माइनस में आएगा तो लॉस। अब इसी चीज को हम लोग एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं बोर्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन जैसे बताया गया फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट में बताया गया ओपनिंग कैपिटल 12,000, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 1,000, एडिशन कैपिटल 400, क्लोजिंग कैपिटल दिया 17,000। तो फर्स्ट में लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट में हम लोग को फर्स्ट में क्या लिखना पड़ता है क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया क्वेश्चन में 17,000। उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ता है जो भी ड्राइंग है उसको प्लस करना पड़ता है, तो ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, तो क्वेश्चन में ड्राइंग कितना हम लोग का दिया हुआ 1,000, तो 17,000 प्लस 1,000 हो गया 18,000। उसके बाद हम लोग एडिशन कैपिटल माइनस करते हैं, तो क्वेश्चन में एडिशन कैपिटल दिया हुआ 400 लेस एडिशन कैपिटल 400, तो 18,000 माइनस 400 17,600। और लास्ट में हम लोग का दिया हुआ हम लोग को चाहिए ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल दिया 12,000 लेस ओपनिंग कैपिटल, यानी 76,000 माइनस 12,000 प्रॉफिट ड्यूरिंग देयर 5,600। आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आप क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए, और क्वेश्चन बनाने टाइम अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम फेस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हाँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।